इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज कहा जाता है, जबकि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक सेकेंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो यानी प्रवाह हो पाता है, जिसको हम करंट कहते हैं। यानी करंट के फ्लो के लिए दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट फ्लो की स्थिति में मेल्ट हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट ओपन हो जाता है यानी हमारा सर्किट टूट जाता है। इस प्रकार फ्यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेफ रखने का काम करते हैं। सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट ब्रेकर भी फ्यूज की तरह ही एक सेफ्टी डिवाइस होता है, लेकिन जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट जैसी कंडीशन में हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ये हमारे सर्किट को ओपन और क्लोज करने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करवाता है। इसकी मदद से हम ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से अपने सर्किट को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। या फिर हम यूं कहें कि सर्किट ब्रेकर एक तरह का स्विच होता है जो हमारे सर्किट को बंद या चालू करने के साथ साथ हमें बहुत सारी सेफ्टियां भी प्रोवाइड करवाता है। फेस और न्यूट्रल में क्या अंतर है? जो हमारा फेस होता है वो सोर्स से हमारे डिवाइस की तरफ करंट को ले जाने वाला पाथ यानी रास्ता होता है, जबकि जो न्यूट्रल होता है वो हमारा रिटर्न का पाथ होता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे उपकरण से होके और करंट को लेके उसको सोर्स तक वापस भेजने का काम करता है। फेस और न्यूट्रल दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसमें फेस में हाई वोल्टेज होती है जबकि न्यूट्रल में लो वोल्टेज या फिर यूं कहें तो लगभग जीरो वोल्टेज होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम वोल्टेज के लेवल को कम करने या फिर ज्यादा करने के लिए उपयोग करते हैं। अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग भी हमारी एक प्रकार की सेफ्टी होती है जो हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को लीकेज करंट या फिर किसी भी अन्य प्रकार से करंट के द्वारा होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगाई जाती है। इसमें धरती में एक पाइप या फिर प्लेट के द्वारा अर्थिंग की जाती है और उसको तार के द्वारा हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनके साथ जोड़ा जाता है। अगर किसी भी उपकरण में कोई भी फॉल्ट होता है तो उस उपकरण में फैलने वाले फॉल्ट करंट को ये अर्थिंग धरती में भेज देती है, जिससे उसको ऑपरेट करने वाला भी सेफ रहता है और हमारे जो उपकरण होते हैं वो भी खराब होने से बच जाते हैं। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग भी एक प्रकार की सेफ्टी ही होती है। अगर आप अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में सही से जानना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। इसको देख के आप अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अब इनसे जुड़ा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी के लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।